नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजीगर आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, टीएचडी पीएचडी की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने रखा है। लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं पीजीटी की डेट है उसको फिर से बढ़ाया जाए, जबकि अंतिम आवेदन की जो तिथि है वो समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ जो फीस डेट है वह कंप्लीट करने की फॉर्म की वह 16 तारीख है, वो भी समाप्त होने वाली है 16 जुलाई। वहीं बात करें शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के पीएनपी को घेरने का अब काम अभ्यर्थियों ने कल किया। एडेड जूनियर सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी 1894 पद, उसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल के थे, अन्य जो है आपके सहायक अध्यापक के थे। इन पदों पर हुई भर्ती का जो रिज़ल्ट एक बार जारी किया गया, फिर से यह सूचना प्राप्त हुई कि रिज़ल्ट पुनः से जारी होगा। अब पुनः से जो रिज़ल्ट जारी होगा वह अभी तक जारी नहीं हो पाया, जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार चिंतित रहे और उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाचार्य के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, तो पदों की संख्या इतनी ही थी जो मैंने बताई, ऊपर जो है कंबाइन करके लिखा हुआ था। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है फॉर्म संशोधन को लेकर के। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कि फॉर्म भरे हैं, उनके फॉर्म हस्ताक्षर आदि में त्रुटियाँ हैं, वह दिया है 12/7/2022 से 19/7/2022 तक हस्ताक्षर और फोटो आदि पुनः से अपलोड करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद उनको अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। तो जिनके फॉर्म आदि में त्रुटियां हैं वह इस चीज़ को समझ लें और पुनः से फॉर्म अप्लाई कर दें। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग लगातार कार्य कर रहा है और अब जो है उसमें कुछ नई बदलाव भी होने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं आगे के न्यूज़ में। वहीं आपको बताएंगे सीएसआईआर नेट के जो अभ्यर्थी हैं, यानी लाइफ साइंस आदि से देने वाले जो अभ्यर्थी हैं सीएसआईआर के थ्रू, साइंस विज्ञान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए नेट का फॉर्म आ चुका है, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और ओबीसी और अन्य के लिए जो है 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। यहीं देखिए जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको लेकर के भी थोड़ा सा विरोध हो रहा है। आप देखिए कि इनकी फ़ीस जो है वह भी 1000 रुपये रखी गई है, जो जनरल के समकक्ष है, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इनको कहा ही जाता है, यानी कि पैसे की दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से पहले से ही गरीब है। गरीब होने के बावजूद भी अगर ये 1000 रुपये फॉर्म शुल्क इनका रखा गया है तो फिर इस आरक्षण का क्या मतलब, क्या करेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस आरक्षण को लेकर के कैसे फॉर्म बनेंगे। बहुत से ऐसे फॉर्म है, जैसे एडवीएस का फॉर्म आया है 2000 से नीचे कोई फॉर्म नहीं है। अब अभ्यर्थी कैसे फॉर्म भरेगा जिसके पास लिमिटेड स्रोत है, पैसे कम है। तो ईडब्ल्यूएस पर जो ये फॉर्म की बैलेंसिंग रखी गई है, फॉर्म की फ़ीस रखी गई है, गलत है और कहीं ना कहीं आयोगों को इस पर विचार भी करना चाहिए। वहीं अगली सूचना है, 8000 राजकीय शिक्षकों की नियमित वेतन का रास्ता हो गया साफ। आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन ये सभी हड़ताल पे जाने वाले थे, इनकी जो वेतन है महीने से रुके हुए करके जो सिकड़ हैं वो परेशान थे, उनकी समस्या दूर हो गई है और जल्द ही उनको वेतन आदि मिलने लगेगा। वहीं AKTU अब 3 साल में भी मिल सकेगी बीटेक की डिग्री। NEP लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक में सहमति। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं। अब AKTU से 3 साल में भी बीटेक की डिग्री प्राप्त हो जाएगी अगर अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है, उस तरह के कोर्सेज अप्लाई कर रहा है। इंजीनियरिंग के छात्रों को अब 3 साल में भी डिग्री मिलेगी, ये आज के समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण सूचना है और उन सारे अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि कम समय में बीटेक कर लेना चाहते हैं। वहीं अगली जो सूचना प्राप्त हो रही है दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के आ रही है। दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी जो भी अर्जी जारी गई थी उसकी सुनवाई 25 जुलाई को है। 2020-21 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप को लेकर के लगातार रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट केस भी हुआ, जो कि 25 जुलाई को फिर से आदेश हुआ है और सुनवाई होगी। क्या आदेश आएगा उसको जो है
स्पष्ट आपको हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर के इस परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा किए गए तथ्यों और सबूतों के प्रथम दृष्टया गड़बड़ी की आशंका की बात प्रकट की है और उस पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीसीएस का जो मानक है उससे कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो पा रहे हैं। प्री से लेकर मेंस तक को झटका, प्रारंभिक परीक्षा मानक से कम हो रहे हैं अभ्यर्थी पास। पीसीएस 2021 का मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमें कि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो देखेंगे 623 ही माने गए हैं। 678 पदों पर होनी है भर्ती, 623 ही पास। तो आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति ये है कि योग्यता के बगैर जो है अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पा रहे हैं और सीटें खाली जा रही हैं। एक लोक सेवा आयोग अलग से बदलाव कर रहा है जिसके तहत अब एक क्लिक में ही अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर सकेंगे। आपके डाटा पुराने आवेदन या पुराने डाटा फीडिंग से ले लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद है तो नए फॉर्म को लोक सेवा आयोग में भरने के लिए आपको बड़ी डाटे या बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं साक्षात्कार के लिए 1285 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया है। दावेदार 7,00,000 साक्षात्कार को नहीं मिले 1,859 योग्य अभ्यर्थी। यही लोक सेवा आयोग की बात मुख्य परीक्षा को लेकर के आ रही है। तो अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त थी किंतु जो साक्षात्कार के लिए है उसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, जिसको जो देख करके काफ़ी निराशा हो रही है कि इतनी सीटें खाली हो जा रही हैं और अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित वहाँ नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त करें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।